बात करते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की। उन्होंने एक बार फिर से विकास के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। कहा गया कि हिमाचल में मोदी सरकार ने ही सड़कों का विकास करवाया, जिससे कि आज प्रदेश की जनता को सुविधा मिल रही है। लेकिन पिछले 15 महीने में सुक्खू सरकार ने कोई भी काम नहीं किया, ये भी आरोप लगाए गए। हिमाचल प्रदेश में नॉमिनेशंस के बाद चुनाव की तस्वीर साफ हो चली है। मंडी में, हमीरपुर में, धर्मशाला में और शिमला में जो भारतीय जनता पार्टी के नॉमिनेशंस के कार्यक्रम हुए, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की नींद उड़ाई और उनकी बौखलाहट अब सारी बाहर आकर के निकली है। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश आगे बढ़ रहा है, वहीं हिमाचल तेज गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। एक बार जरा नजर दौड़ाएं, कीरतपुर से लेकर के मनाली का 4 लेन हाईवे हिमाचल की तस्वीर बदल रहा है, जहां 5-5, 6-6 टनल बना करके और गोविंद सागर पर बड़े बड़े पुल बना करके दूरियों को पाट दिया गया है। इसी तरह से पठानकोट से शिमला, कांगड़ा से और मंडी 4 लेन नेशनल हाईवेज, वो हिमाचल की तस्वीर और डिस्टेंसेस को समाप्त करते हुए दिखाई देते हैं। और कांग्रेस के राज में और छोटी मोटी सड़क का निर्माण होता था, पर 1.5 साल के अंदर तो विकास ही बंद है। 1.5 साल की सरकार, निकम्मी सरकार, झूठी सरकार, ये भी सब जनता को पता लग गया है। और अब तो लोग खुल करके बोलने लगे हैं, इस कांग्रेस की वर्तमान सुक्खू सरकार का एक काम गिनाओ, 100 रुपए इनाम पाओ। हिमाचल का गरीब, उसको 5 किलो राशन मिल रहा है, लगातार मिल रहा, अगले 5 साल फिर मिलेगा, प्रति व्यक्ति मिल रहा है। 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में आयुष्मान कार्ड और हिमकेयर कार्ड के माध्यम से मिल रहा है, वो मोदी जी बीजेपी की देन है।